हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो जी, पौने 8 होने वाले हैं और मैंने शायद आपको बताया नहीं ना कि 5:30 उठ जाती हूँ मैं। 5:30 उठ के 5:45 तक फ्रेश होके हम लोग चले जाते हैं वॉक पर, रमन के साथ मैं जाती हूँ। और आप भी यही सोच रहे होगे ना कि हमें भाषण देते हैं स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कि सुबह देखो कुछ कोई होता नहीं है और हम पूरा प्रिकॉशन लेके जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेन तो ये ना, आपको जो क्राउड वाले एरिया में नहीं जाना है, तो हम लोग सुबह ऐसे ही चले जाते हैं। तो देन 45 मिनट्स तक सैर की और फिर हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद, फिर आज है सैटरडे, तो क्या प्लान है मेरा, खाने का क्या प्लान है? रमन ने नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया है, मैं रह गई हूँ, पापा ने चाय पी है, पापा वॉक के लिए गए हैं अभी। और नाश्ते में क्या स्पेशल? आज कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेशल तो नहीं, रमन बोल रहे थे मैं बना दूंगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, मतलब फिर कभी ऐसा कुछ। अच्छा, एक कमेंट करके दोस्तों बताना मुझे कि जो रात वाली दाल होती है, जैसे आप दाल बनाते हो, जैसे सपोज मैंने आज रात को दाल बनाई, नेक्स्ट डे मैं उसको पराठे के साथ खाऊंगी, क्या मस्त मजा आता है। मतलब येलो दाल मैंने कल बनाई थी, तो आज रमन को मैंने उसके साथ ही पराठा बना के दिया और चाय दी है, तो मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। कमेंट करके बताना आप किस को ये, मतलब ऐसे खाना टेस्टी लगता है, रात की दाल के साथ पराठा, वो भी सुपर देसी घी का, वो भी, तो वो भी चाय हो साथ, तो वो भी इस मौसम में। थोड़ा सा मैंने आज शॉल कर ली, थोड़ी सी ठंड है आज, बादल बादल बने हुए पूरे, तो धूप भी नहीं निकली अभी तक। तो बच्चों को क्या दिया है? बच्चों को तो फिर वैसे ही नखरे हैं, पता है आपको। रिद्धि को दिया है, छोटी वाली को मैंने पनीर का पराठा बना के, अब वो बड़ी वाली खाती नहीं है वो, तो उसको मैंने दिया लच्छा पराठा बना के, वो चीज़ स्लाइस के साथ खा लेती है, उसका भी अलग ही फंडा है कुछ। तो पापा गए हैं वॉक पे, पापा आएंगे फिर 9:30 नाश्ता करते हैं वो, मैं सोचूं अभी बना लेती हूँ, फिर थोड़ा लेट हो जाएगा फिर रात को। हाँ, दोपहर को मैंने सोचा है ब्लैक चने बनाने के लिए, चने और चावल, मतलब सैटरडे था तो मैंने भिगो दिए, चलो। और वैसे तो वीकडेज में भी भिगो देती हूँ, कुछ नहीं, जब याद रहता तभी भिगो देती हूँ। तो ये है जी मेरा रूटीन आज का, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी क्लीनिंग वगैरह सब करेंगे, डस्टिंग वस्टिंग अभी कुछ नहीं की है, स्टार्ट करेंगे अभी। नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। एंड कुछ सोचा है कि रमन के साथ एक कुछ, तो आपको दिखाई देती हूँ क्या सोचा है मैंने, आई डोंट नो पूरा होगा या नहीं, हो गया तो आपको दिख ही जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए काम निपटा लेते हैं सुबह के। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज जो मेरे पति देव हैं, आज मेरे साथ हैं। वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम टूडे, और हाउ वेल डज माई पार्टनर नो मी। तो आज आपको देखना है कि आज पता लग जाएगा आप, हम एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, कितने साल हो गए। क्रेडिबिलिटी चेक। हाँ, तो हम कितने साल हो गए हमारी शादी को? 13 years। हाँ, पापा 17 हो गया। बंद कर। नहीं, जाने दो, जाने दो, चलो। नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं सच बताऊं तो मुझे, मतलब जो इनकी चॉइस हॉबीज हम दोनों की अलग अलग ही है, मुझे लगता नहीं कि ये मतलब गेम हम दोनों में से कोई जीतने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गेम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेटी ने बनाया, तो वही पूछने वाली है, और हम देखते हैं कि हम कितना कितने खरे उतर पाते हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आज। चलो विल सी, तो लेट्स स्टार्ट। दो, एक आप बोर्ड ले लो, एक मार्कर आप ले लो, और एक बोर्ड मेरे पास है। अब जो भी तुम क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछोगी तो उसका हमें आंसर देना है, तो वो मतलब मैच करने चाहिए आपस में। नहीं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, तो इनको पता होना चाहिए, राइट? और इनको कौन सा पसंद है, मुझे पता होना चाहिए, राइट? ओके, तो आप उठाओ पहले, चलो। आई मीन क्वेश्चन जो भी है, क्या क्वेश्चन है? What genre does your partner likes in the movie? तो मैं आपके बारे में लिखूंगा। मुझे कौन सी पसंद है? तो my answer, can I show? मैच हो रहा है? दिखाओ। अब आप लिखिए।
एक्चुअली जो मेरा मार्कर का कलर अच्छा नहीं है, एक पॉइंट तो हम दोनों को मिल गया राइट. मेरा मैं नेक्स्ट को नेक्स्ट तो मुझे पिक करना है ना. कोई बात फैन सेलिब्रिटी पॉप ऑफ फेवरेट सेलिब्रिटी मेरा कौन सा है? कैन आई जो माइन अब मेरी मेरा इम्तिहान है सेकंड का. चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ उसको. मुझे पता तो मेल लिखना फीमेल लिखना कोई कुछ भी हो सकता है. मेल भी हो सकता है. मैंने लिख दिया. चलो मैं मेल. आपने क्या मेल लिखा फीमेल? ऑफ कोर्स मेल. ये मेरा है आंसर. अरे यार आप तो ना धोखा कर. मेरे को भी पता था आपका जवाब भी था. सीरियसली मैं उठाऊंगी. मैं पिक करूंगी. छोड़ दो. व्हाट इज योर पार्टनर्स ज़ोडियक साइन? ओके ये डेट ऑफ बर्थ के बेस पे राइट. तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट. वेट. ओके पहले मुझे आंसर करना है. मैं आपका कर रही हूँ. ठीक है. दिखाओ स्पेलिंग के लिए. गलत हो गया. सेम है. दिखाओ वर्गो. शो हाँ या यार. ओके बट करेक्ट. स्पेलिंग गलत हो गया. ओके चलो अब आपको मेरा लिखना है. तुम्हारा जून में ना तो जून में हो गया. वर्गो ही हो गया. वर्गो नहीं बोलना नहीं है. वर्गो से पहले क्योंकि हो गया. वर्गो से पहले कोई काउंटिंग है क्या? नहीं वो होता. बोलना नहीं है लिखना है सिर्फ. मैंने तो लिख दिया मेरा. गैस कर. आई गैस मुझे शायद सर. मैंने कहा बोलना नहीं है. करेक्ट. यस पापा भी आपसे आ गई. अरे मैं उठाती हूँ नेक्स्ट. इंट्रोवर्ट. इज योर पार्टनर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? किसका लिख रही हो तुम? मेरा. आपको मेरे आप पापा को लिखो. करेक्ट. चलो यस मेरा एक पॉइंट तो बड़ा. अब आपको लिखना है मेरी तरफ से. इंट्रू. ओके आप इंट्रोवर्ट हो. व्हाट इज योर पार्टनर्स फेवरेट डिश? सेम. यस चलो राइट. ओके नाउ Now I will pick. Okay. What is your partner's dream destination? Mummy, sorry, I don't like that. No. Dream destination place, bol le. Kaise place? Okay. अगर पैसे हो तो जाऊँगा. Yes, देखो. Yes. मेरा ओके नाउ आई विल पिक नेक्स्ट.
नेक्स्ट इज व्हाट इज योर पार्टनर्स फेवरेट कलर. ओके ये किस ड्रेस सेंस में किसमें? ऑफ कोर्स ड्रेस सेंस में उन्होंने लिख रही है. दिस इज माइन. आपका क्या है? कलर व्हाइट ब्लैक. व्हाइट में अरे यार ब्लैक अभी उस समय येलो बोल रहे थे ना. नहीं वो तो मैं लिखने के लिए उन्होंने बोला येलो एंड व्हाइट बोला था उन्होंने. लिखा कुछ हो रही ठीक है. नाउ आपको मेरे मन में लिखना है. चलो हम लिखो. क्या है देखो अपने लाइट ग्रीन यार क्या है लाइट ग्रीन क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लाइट ग्रीन. चलो आप पिक करो अभी कितनी रह गई? दो रह गई. टू मोर. व्हाट इज योर पार्टनर्स हॉबी? अभी आप कर पापा ठीक है. हाँ hobby is different from our profession right? Hmm. It's computer we can't say. Right? Same hai dikho kya yes singing. Right okay wo bhi aage dikho gaya. घूमना थोड़ा बहुत थोड़ा सा मिलेगा ना हमें इसका मार्क. ओके लास्ट चलो मैं पिक करूं. लास्ट जीत रही. यस माउंटेन्स और बीचेस. अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है. क्या शो 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 यस. अच्छा ठीक है. ओके सेम लिखा ना आपने. आप दिखाओ बीच. अरे यार इसमें कौन जीता? तो देखो आप मुझे कितना जानते हो. देख लिया आज तो हमने 70% तो जानता हूँ. अभी वो 30% कब जानोगे? कितने साल हो गए शादी को? 70 तो मतलब 70 तो 70% जानेंगे. देखो एक्चुअली डन. तो दोस्तों ये जो हमारा जो गेम है खत्म हो गया और इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कौन जीता है कौन जीता है कौन आ रहा है. चलो आप कुछ बोलिए अपने शब्दों में आज कुछ कहिए हमारी ऑडियंस को. आप कुछ बोलिए. हाँ बोलिए. नहीं अच्छा लगा ये गेम खेल के. इससे वो डिफरेंट वन और वही पता लग गया कि कौन किसको कितना जानते हैं. अब देखो अभी मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा. तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों. मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कल की फिक्र छोड़िए और आज का जश्न मनाइए. तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं कल. बाय बाय.